दोस्तों हमारा क्वेश्चन आज का माइनस हमारा एक कर्ली ब्रैकेट है माइनस 80 है फिर डिवाइडेड बाय 16 है फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज है फिर हमारा क्या है इनटू है फिर ब्रैकेट माइनस 2 है प्लस 6 है और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो हमने क्या किया सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट खोला। जब हमने स्मॉल ब्रैकेट खोला तो माइनस 80 डिवाइडेड बाय 16 और फिर कर्ली ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। इनटू का साइन है इनटू और ये हमने ब्रैकेट हटाया माइनस 2 प्लस 6। अब हमें इसको क्या करना है प्लस करना है। तो अब हमें ब्रैकेट खोलना होता है प्लस का पहले हमें मतलब सॉल्व करने का होता है कि हमें ब्रैकेट खोलने से पहले अंदर का क्या होगा सॉल्व होगा। तो अगर हम कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा सॉल्व करेंगे। तो फिर इसके लिए हमें क्या 16 को 80 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा पहले। तो 16 फाइव जो कितना होता है 80 होता है तो हमारा आंसर कितना आया 5 आया। हमारा आंसर कितना आया 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा पूरे को तो ब्रैकेट अपने आप ही क्या है हट जाएंगे। ठीक है ब्रैकेट हट जाएंगे ये माइनस का साइन क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है क्योंकि हमने जब डिवाइड किया तो 5 आए तो यहाँ माइनस था तो माइनस 5 हो जाएगा। अब इनटू अब देखो माइनस प्लस हमेशा माइनस होगा। अगर आपके पास एक माइनस में है और एक प्लस में है तो ये प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और साइन किसका आता है जो बड़े पे। बड़े पे हमारा क्या है प्लस है तो 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 और साइन किसका आता है बड़े के आ जाता है। जो बड़े पे साइन होगा वही हमारा साइन आएगा और बड़े पे हमारा क्या प्लस है तो प्लस 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 4। ठीक है अब हम इसको इंटू करेंगे। अभी प्लस 4 का कोई लिखने का मतलब नहीं है। अभी प्लस है माइनस है इंटू है बीच में तो प्लस माइनस जब भी इंटू में प्लस इंटू इंटू क्या 4 ये एक प्लस है एक माइनस में एक प्लस में तो आंसर किस में आएगा हमेशा माइनस में आता है। आंसर किस में आता है माइनस में आता है। 5 4 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा माइनस 20 तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस 20 आएगा। ठीक है इसमें आपको बिल्कुल माइनस प्लस का बहुत ध्यान के लिए ध्यान रखना होता है। तो हमारा आंसर कितना आएगा माइनस 20। तो थैंक यू।